न्यूज तक अब नए अंदाज में। हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। हमारे सभी जमाकर्ता भाई और बहनों, आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है, उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपोजिटर्स में विश्वास पैदा हो। हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था, एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी, पूरा जीवन एक समय एक प्रकार अंधकार सा लगता था। क्या करेंगे, बेटे बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे, बेटी बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे, किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे। और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे, या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को, हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं।
लेकिन खैर मेरी बात नहीं मानी गई, उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां। मैंने कर भी दिया। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपोजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी, और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपोजिटर को भी बचाया है। अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। अब बैंकों के लिए भी अवसर है, डिपॉजिटर्स के लिए भी अवसर है। ऐसे शुभ अवसर पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।